इंदौर में ओपन माइक में सुरभि मनुचा चौधरी रही गेस्ट ऑफ ऑनर, बिखेरे प्यार के रंग। शहर में रविवार को चाय कॉफी कैफे में ओपन माइक और स्टोरी टेलिंग का आयोजन किया गया। इंदौर चैप्टर 1.0 की ओर से आयोजित ओपन माइक में कई लोगों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इस दौरान सुरभि मनुचा चौधरी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद थी। बता दें कि चाय कॉफी कैफे में हर रविवार ओपन माइक का आयोजन किया जाता है और इसमें लोग अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही एक आयोजन का रविवार को आयोजन किया गया था और इसमें सभी ने लव और पॉलिटिक्स पर अपने विचार व्यक्त किए और इसमें सुरभि मनुचा चौधरी गेस्ट ऑफ ऑनर रही। मेरा भी फर्स्ट ओपन माइक है और मैं एकदम टाइम से पहुंची थी, तो जो लोग टाइम से पहुंचे थे उन्होंने सुना होगा कि प्रियांशु ने कहा था जज नहीं करना, तो प्लीज मुझे जज नहीं करना मैं क्या बोलने जा रही हूँ, क्योंकि मैं प्रिपेयर भी नहीं करके आई हूँ। और मैं राइटिंग करती हूँ, प्रोफेशनली राइटिंग करती हूँ, तो कई बार जब हम न्यूज़पेपर में लिखते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी जो होती है कहीं ना कहीं डेड हो जाती है, क्योंकि हमें वो लिखना पड़ता है जो कोई व्यक्ति हमें बता रहा है। मान लीजिए मैं किसी इवेंट के बारे में लिख रही हूँ कि ओपन माइक हुआ और प्रियांशु आया और एक्स आया और वाई आया, तो मेरी क्रिएटिविटी जो है काइंड ऑफ लिमिटेड होगी, क्योंकि मुझे वो पर्टिकुलर चार चीज़ें लिखनी है। लेकिन उसके सिवाय मैं बहुत क्रिएटिवली लिखती हूँ, राइटिंग की बहुत शौकीन हूँ। इंग्लिश में ज़्यादा लिखती हूँ क्योंकि प्रियांशु ने बताया नहीं, डेली कॉलेज की प्रोडक्ट हूँ, तो थोड़ा सा एलएचएस लोग कहते भी हैं कि डेली कॉलेज वाले हिंदी में नहीं बोलते हैं। मैं हिंदी की पेपर में लिखती हूँ और ऑलमोस्ट एवरी डे लिखती हूँ और डेली उतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं जितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन मैंने अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादातर इंग्लिश में लिखी है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करती हूँ। बेसिकली यहाँ पे आए के लोग, उन्होंने जो है बहुत अच्छी कविता, बहुत जोश में, बिल्कुल जो कहते हैं देश प्रेम पे थी कि वो अपने देश को कितना प्यार करते हैं। फिर उन्होंने वैलेंटाइंस डे के दिन की बात करी कि वो वैलेंटाइंस डे के दिन इस तरीके का इंसिडेंस हुआ। क्या वैलेंटाइंस डे और ये सब चीज़ों से तो मैं बहुत ऊपर उठ गई। उसने मिस सुरभि चौधरी बोल दिया, मैं मिसेस सुरभि मनुचा चौधरी हूँ, मेरी 9 साल की बेटी है, तो उन सब चीज़ों से तो बहुत आगे उठ गई। लेकिन हाँ, जो एक्सप्रेशन होता है प्यार का पोएट्री में, जिस तरीके से कहा जाता है और किसी तरीके से आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते, कर ही नहीं सकते। आज अगर कोई आके मुझे बोले मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई मुझे कहेगा मुझे तुमसे इश्क है तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगे। तो ये सब बातें बहुत ही डिफरेंट होती है। पोएट्री, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी हमें एक अलग एंगल, एक अलग दुनिया में ले जाती है। आप लोग सब यंग हैं यहाँ पर, आप लोग पोएट्री इमेजिन करते हैं, फील करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी वो जोश है, योर हार्मोन्स आर रेजिंग। जब आप किसी गर्ल को देखते हो तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, कोई गर्ल किसी बॉय को देखती तो इज ही लुकिंग एट मी, वो वाला दौर चल रहा है आपका। और क्या हमारा दौर बहुत कंफ्यूजिंग था, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी 80s में तो गाना होता था, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए, और ये गिला क्या है आपकी निगाहों में, क्योंकि फूल भी दरमिया तो फासले हुए। तो आजकल वालों को क्या पता कि फूल से क्या फासले होते हैं, कोई फासले नहीं है। और जब तक मैं समझती कि एक्चुअली ये होता क्या है, मैं 12 साल की हुई तो एक गाना आया करिश्मा कपूर का, सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, तो जनरली, और फिर वो गोविंदा ने गा दिया मेरी सैंडल भी सेक्सी, मेरी रुमाल भी सेक्सी। तो जहाँ प्यार ऐसा था कि किसी के दिल को धड़क के महसूस करना होता जनरली, अब प्यार मार्केटिंग हो गया। मैं अपने आप को खुद ही सेक्सी बोलने लगा, मैं खुद ही अपने जूते को सेक्सी बोलने लगा, तो मैं बहुत कंफ्यूज फीलिंग्स के साथ बड़ी हुई कि एक्चुअली प्यार क्या है, किस तरीके की चीज है। बट अल्टीमेटली सबसे बड़ी टीचर होती है लाइफ। लाइफ ने मुझे सिखाया प्यार क्या होता है। प्यार सिर्फ आपका कोई आपके हस्बैंड के लिए या आपके लवर के लिए नहीं होता, प्यार आपका सबके लिए होता है। और आप किसी को तभी प्यार कर सकते हो जब आप कोई नियम या शर्तें ना रखो। अगर
टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई तो प्यार नहीं है। प्यार होता है किसी को उसके रूप में, वो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेना। आज मेरे साथ मेरे पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, मैं हमेशा से अलग तरह की चाइल्ड रही हूँ। मुझे बोला किसी से, बच्चा होता है ना, आग में हाथ मत डालना, आग में हाथ डालेगा, मैं वैसा बच्चा रही हूँ, ठीक है। लेकिन शायद मैंने हमेशा वो नहीं किया जो मैं चाहती, वो जो वो मुझसे चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझ में हमेशा बिलीव किया, मेरे साथ खड़े रहे, वो जरूरी था। ये अनकंडीशनल लव होता है। अगर मेरे माँ बाप बोले तुम मेरा अच्छा बच्चा तब हो अगर तुम ये चार चीजें मेरे लिए करती हो, अगर कोई सास बोले तुम सपोर्ट के मेरी पैर छूती तो ही तुम मेरी अच्छी बहू हो, और कोई पति ऐसा बोले या गर्लफ्रेंड ऐसा बोले कि डार्लिंग अगर तुम मुझे अपनी फोन बुक दिखाओगे और अपना व्हाट्सएप चेक कराओगे तो ही यू आर माय बेस्ट पर्सन इन द होल लाइफ, या तुम मेरे ट्रू लवर हो, तो वो गलती है। एक चीज जान लीजिए, आप किसी को प्यार करते हैं अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी निहायत ही बेवकूफाना हरकत है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को कंट्रोल करना है तो मैं उसका फोन छीन सकती हूँ, मैं उसका बाहर जाना बंद कर सकती हूँ, मैं उसको ठीक से तैयार होना बंद कर सकती हूँ, मैं उसको एक कमरे में लॉक कर दूंगी, ताला लगा दूंगी। क्या मैं उसके दिल पे ताला लगा सकती हूँ? अगर उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा है तो क्या मैं उसे रोक सकूंगी? तो मैं आप लोगों को कहूंगी, आप लोग यंग जनरेशन है, आगे आने वाली बहुत ही ब्रॉड माइंडेड एटमोस्फियर है, दुनिया बदल रही है, लोग मार्केटिंग करते हैं बाय मी। तो उस समय अगर आप लोग नियम या शर्तें ना रख के सिर्फ उस पल को जिए, उस मोमेंट को जिए, तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। और अगर आप अपने लाइफ में हर लोगों को फ्रीडम दें, चाहे पेरेंट्स है, लवर है, हस्बैंड है, बच्चा है, तो वो भी आपको फ्रीडम देगा, क्योंकि जब आपने शर्त रखी तो वो भी शर्त रखने लगेगा। तो लिव एंड लेट लिव, दैट इज लव। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।